हमारा को शरारत पड़ गई भारी डिंग डिंग जब इतनी ज्यादा बर्फ गिरती है तो गहरी नींद में सोया भालू अचानक अपनी नींद से जाग जाता है और ऐसे समय पर वो बहुत ज्यादा खतरनाक और चिड़चिड़ा हो जाता है। सर प्लीज हमें इस तरह डराइए मत। घबराइए मत आईको मैडम, अगर मैं भालू की आंखों में आंखें डालकर देख लूं तो वो डर के मारे दुम दबाकर भाग जाएगा। अगर ये सच बात है तो वाकई कमाल की है। क्या बात है सर, आप तो बहुत बहादुर हैं। मेरी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है। लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों करा रहे हैं? ओ ये मेरी चाल है, मैं भालू का भेष बना लूंगा और सबका मजाक उड़ाऊंगा। चल अब हो जा शुरू कियो। ठीक है बॉस। मेरे बॉस को तो हमेशा ऐसे ही फालतू आइडिया सोचते हैं। मैं तो हूँ एक भालू जिसे पसंद नहीं आलू, चलता हूँ भालू की तरह, मीट खाता हूँ भालू की तरह, आज नहीं तो कल मुझे मिलेगी ड्रीम गर्ल। उड़ती गिलहरी के निंजा टेक्निक। क्या बात है हथौड़ी, तुम्हारा जवाब नहीं। तारीफ के लिए शुक्रिया। सर आप वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं? जल्दी नीचे आइए। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मुझे स्की करना नहीं आता? क्या हुआ सर, जल्दी नीचे आ जाइए ना, जल्दी। हाँ बस आ रहा हूँ, अब तो नीचे जाना ही पड़ेगा। सर कहाँ जा रहे हो? क्या बात है सर, संभल कर। अरे कोई रोको रोको। सर आपके सर पर चोट तो नहीं लगी ना सर? आप ठीक तो है ना सर? मैं तो बस ये दिखा रहा था कि इतनी तेजी से नीचे आना कितना खतरनाक हो सकता है। ये देखिए सर, ये तो भालू के पैरों के निशान है। क्या? सही कहा, ये भालू के पैरों के ही निशान है। बहुत बुरा हुआ, चलो हम फौरन लॉज वापस चलते हैं। अब देखता जा किन्नी जी के बच्चे, मैं डर के मारे कैसे तेरी हवा निकालता हूँ। मैं तो हूँ एक भालू जिसे पसंद नहीं आलू, चलता है भालू की तरह, मीट खाता है भालू की तरह। हाँ बहुत थक गया हूँ, आराम कर ले। ये तो असली वाला भालू है बॉस, मुझे बचा। अगर भालू मुझे खा जाएगा तो आपको बॉस कौन करेगा? बॉस बचाओ। ओह नो, शिशिमानो शिंजो और हमारा कहीं नजर नहीं आ रहे। मैं उन तीनों को ढूंढने के लिए जाता हूँ, तब तक तुम सब लोग लॉज में चले जाओ, ठीक है? तुमने ठीक कहा हथौड़ी। डिंगन चलो बच्चों, हम जल्दी से लॉज वापस चलते हैं। हाँ चलो चलो जल्दी चलो। भालू आ गया। घबराओ नहीं बच्चों, सर बस इसकी आंखों में आंखें डालकर देखेंगे और ये भाग जाएगा। क्या? वो असल में सर, इसे अच्छी तरह घूर कर देखिए सर, भगा दीजिए इसे। लेकिन वो रुको, मैं भी आ रहा हूँ। युमी को डरो नहीं, मैं इसे घूर कर देखती हूँ। मैं भी यही करती हूँ। अरे बड़ा ही अजीब भालू है, हाँ इतनी जल्दी कैसे चला गया? मैं ऊपर से ही ऊपर ना चला जाऊँ बॉस। डिंग डिंग, ओए भालू के बच्चे। हथौड़ी मेरे दोस्त, कम से कम तुम तो बचाओ। अगर हिम्मत है तो मुझसे टक्कर लेके दिखा। डिंग डिंग डिंग। वाह बहुत बढ़िया, क्या बात है, कमाल है कमाल है। अब जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। डिंग डिंग डिंग, बर्फ का गोला लुढ़काने की निंजा टेक्निक।
मेरी टेक्निक काम कर गई। जमीन से उड़ा पेड़ लटका। क्या बात है, क्या हो रहा है? डिंग डिंग डिंग। मैं जिंदा नहीं हूँ। ये तो असली भालू आ गया। कोई है? बचाओ। कहनी जी, डरने की कोई बात नहीं है। ये बस भालू का सर है जो हमारी लॉज की दीवार पर लटका हुआ था। ओ तो तुम हो हथौड़ी? मैं तो डर ही गया था। सर आप इतनी मुश्किल हालात में भी हंस रहे हैं, आप सच में बहुत ही बहादुर हैं। हाँ सर, आपका वाकई जवाब नहीं। तुम सब लोग गलत समझ रहे हो, सर तो खड़े खड़े बेहोश हो चुके हैं, देखो तो सही। इसीलिए कहते हैं बहादुरी की बातें करने से कोई बहादुर नहीं हो जाता। डिंग डिंग।